समस्या जी जिस प्रकार से अभी दिलीप जी ने भी कहा और मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं किया है, कोई निर्णय नहीं सुना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माननीय जो लोग हैं और कोई भी व्यक्ति जो सही व्यक्ति होगा और देश को समान व्यवस्था से देख रहा होगा, वो व्यक्ति की यही विचार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक सलाह दी और सलाह ये दी कि पिछले 75 वर्षों में जिस व्यक्ति ने आरक्षण का फायदा लिया है और अब वो फायदा लेकर वो प्रतिष्ठित हो चुका है, समृद्ध हो चुका है, तो अब क्यों ना उसको हटाकर, क्योंकि वो समृद्ध हो चुका है, उसकी जगह पर उसी जाति के किसी वंचित वर्ग को, पीड़ित वर्ग को, शोषित वर्ग को ये आरक्षण का फायदा मिले। ये केवल एक सलाह दी थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है, ये देश का दुर्भाग्य है कि संविधान की आड़ में देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक, देश जब आजाद हुआ था तब शोषित वंचित और पीड़ित जो वर्ग था वो आज और ज्यादा पैसे वाला हो चुका है जो उस समय पैसे वाला था, और जो उस समय वंचित था, वाकई में वंचित था, वो और ज्यादा वंचित हो गया। मैं बताना चाहूंगा कि SC ST के अंदर मुख्य रूप से 13 जातियां हैं और उपजातियां तो करीबन 150 से ज्यादा है। उन 13 जातियों में से भी करीबन 3-4 जातियां ऐसी है जो पिछले 75 वर्षों में आरक्षण की मलाई खा रही है, और जो अन्य जातियां हैं उन तक आरक्षण का कोई भी फायदा, देश की सरकार के द्वारा जो भी फायदा पहुंचाया गया वो फायदा नहीं पहुंचा। जो 2-3 मुख्य रूप से जातियां हैं उन्होंने SC ST के नाम पर जिस प्रकार से आरक्षण के ऊपर कब्जा कर रखा है, और आरक्षण का जो भी फायदा मिला उन्होंने अपने घरों को भरने का काम किया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सलाह दी है, और वो सलाह ये है कि क्यों ना जो लोग समृद्ध हो चुके उनको ये आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और या फिर एक जी संपत जी, क्योंकि हमारे देश में आज भी जरूरत है। संपत जी देखिए, अक्षय जी मैं फिर बताना चाहूंगा कि 19 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा था कि SC ST Act और SC ST के जो दायरे हैं उसके अंदर संशोधन किया जाए, उसके बदले में 2 अप्रैल 2018 को जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में जो तांडव देखने को मिला और हिंसा का आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर 2 अप्रैल 2018। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रीमी लेयर का मतलब इतना ही है। आज भी SC ST में नाम लेकर बता रहा हूँ, SC ST में नायक, शेषी, थोरी, रेगर, ये वो जातियां हैं जो आजादी से लेकर अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली। भले ही हम देश के अंदर बार बार जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आजादी से लेकर अब तक, मैं ऑन स्क्रीन आपको कह रहा हूँ, नायक, शेषी, थोरी, रेगर, इन जातियों का सर्वे कराया जाए, इन लोगों को आज तक कोई भी आरक्षण का फायदा नहीं मिला। तो इस बात की जब बार बार सुप्रीम कोर्ट तक रिट लगती है, सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की आवाज जाती है, तो इन जातियों को जब इनका वर्गीकरण करके देखा जाता है और उसके ऊपर अगर किन्हीं प्रबुद्ध जनों ने टिप्पणी कर दी तो उसमें बुरा क्या है। ठीक है परमवीर जी, आपके पास आऊंगे। संपत जी, आरक्षण के क्या मायने हैं? देखिए, इसको लेकर भारत बंद का आह्वान है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, जानने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैल रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर जानना चाहूंगी ताकि आपका संदेश जनता तक भी पहुंचे। अक्षय जी, मेरा यही कहना है कि SC ST के तमाम वर्ग को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है, और ये जागरूकता के लिए ही एक जो है सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी, किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST वर्ग के तमाम मजदूरों के प्रति एक चिंता व्यक्त की गई है कि जो आरक्षण पिछले 75 वर्षों से दिया जा रहा है वो कम से कम तमाम तबकों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है।